सब्सक्राइब कीजिए आरटी टेक को, लेटेस्ट टेक न्यूज पाने के लिए बेल आइकन को दबा दो। वेलकम बैक गाइस, आरटी टेक में मेरे यार राकेश के साथ। और मैंने फ्लिपकार्ट से क्या मंगाया, मैंने मंगाया एक माइक जो हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, और यार मेरी थोड़ी सी आवाज़ को इम्प्रूव करने के लिए होगा, जो बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा कम कर देगा। तो यार ये एक माइक जिसको यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा बड़े यूट्यूबर, तो एग्जांपल के लिए टेक्निकल गुरु जी इस माइक का यूज़ करते हैं, सागर टेक्निकल इस माइक का यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा हम भी थोड़ा सा प्रोफेशनल होते हैं और एक माइक मंगा ही लेते हैं। और इसकी प्राइसिंग यार 1100-1200-1300 रुपये अप डाउन होती रहती है। मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से 1080 रुपये का, और आज मैंने फिर से प्राइसिंग देखी कि एक स्नैपशॉट डालता हूँ यार कितने रुपये का, तो अब ये 1070 रुपये का हो चुका है, और अमेज़ोन पे 1050 रुपये का। तो यार ये माइक है, जहाँ से मिले तुम वहाँ से ले लो। अगर तुम्हें यूट्यूब स्टार्ट करना है तो यही माइक लेना, क्योंकि बहुत अच्छा माइक है यार। पहले तुम कोई भी छोटा मोटा माइक ले सकते हो, लेकिन यार कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम्हें बाद में स्विच करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें थोड़ा प्रोफेशनल होना ही पड़ेगा अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो यार ये हमारा माइक जो मंगाया मैंने 1080 रुपये का, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग ब्रेक करते हैं। सर पहले देखिए इस पर क्या क्या है, इस पर ये क्या है, ये इस पर लोगो है, ये बोया का लोगो है। ये ऑथराइज करता है कि यार आपका माइक ओरिजिनल है, और ये ओरिजिनल माइक के साथ आ गया। अगर आपके पे ये नहीं है तो आप समझ लीजिए आपका माइक डुप्लीकेट है, किसी ने आपको छेप दिया है। लेकिन आप वेबसाइट से मंगाए तो आपको ओरिजिनल मिलेगा, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया। और अगर बैक की बात करें तो बैक में इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि इसका है, वेट है 18 ग्राम इसका वेट है। और यार ये इसकी देख लो यार, जो कुछ है 3.5 mm जैक यानी फोर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, और DSLR के साथ कनेक्ट करना है तो इसमें आपको एक अडेप्टर मिलता है। और इसी के साथ अगर कुछ दिखाऊं तो यहाँ देखिए, इसमें एक क्लिप मिल जाती है आपको, स्मार्टफोन से अटैच होता है, DSLR से अटैच होता है, और ऑटो ऑडियो रिकॉर्डिंग और PC पे भी ये अटैच होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि यार इतनी सारी चीज़ों के साथ ये कंफर्टेबल है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग को हम ब्रेक करते हैं। तो कल मैंने यार इसके खोला था इस माइक को, एक वीडियो के लिए वॉइस रिकॉर्ड करी, तो यार देखो ये हमें मिल जाता है। सबसे पहले मिलता है हमें बोया का, देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा केस है। अगर मैं अंदर से दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ केस है, ऐसा नहीं यार जो मैंने पुराना माइक मेरा मंगाया था 200 रुपये का उसके जैसा हो। देखो ये था वो, और इसकी क्वालिटी में अंदर तुम खुद देख लो यार। तो ये ओरिजिनल माइक है, कंपनी का नाम है, और इसके साथ आपको मिलता है एक अडेप्टर यार। इसी के साथ इसमें आपको मिलती है एक बैटरी जो मैंने माइक के अंदर लगा दी है। तो थोड़ी देर में दिखाते हैं सैंपल दोनों के। तो ये देखिए, ये आपको डिटेक्टर मिलता है अगर आपको अपने DSLR से इसको कनेक्ट करना है। मुझे तो लगता नहीं यार वो किस्मत आएगी कि हमारे DSLR कभी आएगा, लेकिन हमारी कोशिश जारी है, व्यूज़ सब्सक्राइबर आपको बढ़वाने हैं। तो आगे बात करते हैं यार इस माइक के बारे में। ये देखिए, ये है हमारा बोया का माइक, और इसे हम साइड करते हैं। तो यार पहली चीज़ बताऊँ, एक इसकी केबल देखिए, इतनी बड़ी केबल है इसकी, कितनी बड़ी यार, इतनी बड़ी कि मैं अपने बेड पे इसको 360 डिग्री में घुमा दूँ ना, जब भी यार ज़्यादा पड़ जाएगी। तो आपको क्या क्या मिलता है, आपको एक क्लिप मिलती है, मैंने लगा दिया है। क्लिप यार थोड़ी टाइट अटैच होगी तो शुरू में डरना मत कि टूट जाएगी, लेकिन एक क्लिप है टाइट अटैच होगी। तो ये हमारा माइक है, चमचमाता हुआ नया माइक। और यार इसमें और मेरे पुराने वाले माइक में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं बाद में बताऊँगा। और यहाँ मिलता है यार आपको ये सबसे मेन चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, यही चीज़ है जो इसको मेरे माइक से अलग बनाती है। और यार ये क्या है, अगर आपको इसमें कैमरे के लिए यूज़ करना है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो कैमरा मोड ऊपर है, इसे कैमरा कर दीजिए। और कैमरा यूज़ नहीं करना, स्मार्टफोन से कनेक्टेड है, जैसे अभी ये नहीं, अभी मेरा पुराने वाले माइक कनेक्टेड है, तो मैं दोनों की आवाज़ में डिफरेंस दिखाऊंगा। थोड़ा जूम हो जा भाई, यार क्या करें, फ़ोन का कैमरा है तो ऐसे ही काम चला लेते हैं हम थोड़ा बहुत। तो ये ऑन ऑफ यार अभी स्मार्टफोन में मैंने किया हुआ है। तो यार देखिए, अगर इसे हम खोलते हैं, क्योंकि मैंने इसको कल अच्छी तरह से नहीं खोला, क्योंकि मुझे लगा था कि अब की बार ओरिजिनल अनबॉक्सिंग करेंगे शुरू से। तो यार ये इतना कुछ माइक आपको यहाँ केबल मिल जाती है, अगर मैं कुछ दिखाऊं तो इतनी ज़्यादा बड़ी केबल है। तो यार ये मिल जाता है आपको, पीछे एक क्लिप मिलती है, क्लिप को आप अपने पॉकेट में या फिर पैंट में लगा सकते हो। और यार इस माइक को अटैच कीजिए अपने कॉलर से और रेडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कीजिए। आगे यार इसे खोलते हैं, ये देखिए ओरिजिनल चीज़ यहाँ है। तो यार एक मेरी ऐसी तार कहाँ गई, मैंने कहीं रख दी। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा बड़ी केबल है, थोड़ी मैंने अब तक खोला नहीं यार इसे, ओरिजिनली बताऊँ सच्ची मैंने अब तक नहीं खोला। तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी केबल है। तो इसे थोड़ा मैं साइड कर देता हूँ यार केबल को। ये देखिए, ये आपको मिलता है अपना 3.5 mm जैक, गोल्ड प्लेटेड बॉडी, वॉइस क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है इसलिए गोल्ड प्लेटेड है। और ये आपको अडेप्टर मिलता है, अडेप्टर मिलाइए यार,
बिल्कुल फिट और अपने DSLR में कनेक्ट कीजिए। बस इसे कैमरा मोड पे एक बार स्विच जरूर कर देना अगर कैमरा हो आपके पास, मेरे पास नहीं, मेरे पास स्मार्टफोन है तो सारी चीज़ स्मार्टफोन से यार। तो ये हमारा माइक यार इतना बड़ा, और एक चीज़ और है कि इसके अंदर बैटरी गलती है, ध्यान देना इसके अंदर बैटरी डलती है भाई, बैटरी नहीं लगाओगे तो माइक काम नहीं करेगा। देख यार यहाँ ये बैटरी लगती है इसकी, मैंने कल बैटरी आपको अंदर ही एक बैटरी मिल जाएगी, ये देखो यार एक बैटरी मिलती है अभी चमचमाती हुई, नई बैटरी मैंने कल ही लगाई है, इसके अंदर एक बैटरी आपको इन बिल्ट मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत मत लेना। तो बैटरी लगाओ और काम स्टार्ट करो, इसे करो लॉक। अब देखो अब प्रॉब्लम देगा लॉक होने में, क्योंकि पता है यार इसको बेइज्जती मरवानी है हमारी कैमरे के आगे, बेइज्जती भी लगवानी है। मुझे लगता है जो रैपर था वो फंस गया। तो यार ये बोया का माइक अब देखो कंप्लीट आ गया, बोया आ गया, अब बचा यार क्या क्या बचा इस माइक में। तो बस यही था यार माइक। तो वो वीडियो नहीं वॉइस क्वालिटी में अभी सुनाता हूँ आपको, एक गाना प्ले करता हूँ, दोनों मेरे पुराने वाले माइक और मेरे नए वाले माइक में तुम डिफरेंस खुद बता दो एक कितना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो एक सेकंड ज़रा रुको। तो यार ये मैंने मेरे हेडफोन लग दिए ब्लूटूथ वाले और कनेक्ट कर दिए मेरे टैबलेट से। तो अब देखते हैं कि हमारे पुराने वाले माइक और हमारे नए वाले माइक की आवाज़ में कितना डिफरेंस है। बाहर यार बारिश हो रही है तो मे भी आपको नॉइस आ सकती है थोड़ी सी, लेकिन चलिए ब्रेक करते हैं कि हमारे पुराने वाले माइक और हमारे नए वाले माइक में कितना डिफरेंस हो रही है। हमारा पुराने वाला माइक है गाइस। जब हमने नया माइक हमारा बोया का BYM1 कनेक्ट कर लिया है, और तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरी वॉइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया होगा। तो चलिए वही गाना दोबारा से प्ले करते हुए देखते हैं कि डिफरेंस कितना है। मुझे लग रहा है यार गाइस आपको डिफरेंस पता चल ही गया होगा कि कौन सा माइक ज़्यादा अच्छा है। तो यार मैं दोनों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको कौन सा भी माइक लेना हो। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यार वीडियो बनाने मुझे मेहनत लगती है, मैं अपना टाइम लगाता हूं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं होते, पता नहीं यार क्यों नहीं होते यार। वीडियो देखते हैं यार कमेंट नहीं आते लेकिन लाइक हो जाती है वीडियो पर 2-3, वो अच्छी बात है यार। तो इस वीडियो पर भी अपनी कृपया करना और थोड़े लाइक मेरे बढ़ा देना। और अगर आपको कोई फ्रेंड हो तो सब्सक्राइब करवा दो यार, उसका हाथ पकड़ के उसे घंटा दबवा दो, मुझे दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करवा दो बस मेरे चैनल को। बेस्ट गाइज आज के लिए इतना ही, बाय गाइज़।